पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी में से एक सिंगर एक्टर और सॉन्ग राइटर आतिफ असलम को कौन नहीं जानता। इनका जन्म 12 मार्च 1983 को पाकिस्तान पंजाब के वजीराबाद शहर में हुआ था। पाकिस्तानी मुस्लिम पंजाबी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पिता का नाम मोहम्मद असलम है। आतिफ असलम को पहचान उनके सबसे पहले गाने आदत के द्वारा मिली, जो कि एक एल्बम जल पार में गाया था, जिसके लिए उन्हें 2005 में बेस्ट सॉन्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया। आतिफ असलम ने बॉलीवुड के कई सुपरहिट गाने में अपनी आवाज़ दी और इन्हीं आवाज़ों को खूब पसंद किया गया। 2008 में पाकिस्तान सरकार द्वारा आतिफ को पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी उपाधि तमगा ए इम्तियाज़ से सम्मानित किया गया, जो कि सबसे कम उम्र में ये सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति थे। आतिफ ने अपनी शुरुआती शिक्षा हॉल स्कूल लाहौर से किंडरगार्टन शिक्षा शुरू की। उसके बाद 1991 पढ़ाई करने के लिए रावलपिंडी चले गए, जहां से उन्हें सेंट पॉल कैम्ब्रिज स्कूल सैटेलाइट टाउन से पढ़ाई जारी रखी। लाहौर लौटने पर उन्होंने डिविजनल पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई जारी रखी। आतिफ ने 13 साल की उम्र में 10वीं पास की। उन्होंने लाहौर के फजिया इंटर कॉलेज से FSC की शुरुआत की। उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। आतिफ असलम को बचपन से गाना गाना और गाने सुनने का बहुत शौक था। वे अपने स्कूल और कॉलेज में परफॉर्म किया करते थे। आतिफ उस समय के मशहूर मैसिकी के शहनशाह उत्साद नुसरत फ़तेह अली खान को बहुत पसंद करते थे और उनसे प्रेरित होकर ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी शुरुआत एक म्यूजिकल बैंड से की थी, जहां से उन्होंने अपना पहला गाना आदत लॉन्च किया, जिसके द्वारा आतिफ को एक नई पहचान मिली। अगर बात की जाए आतिफ असलम के प्यार के बारे में, तो आतिफ खुद कहते हैं कि मेरा पहला प्यार क्रिकेट और मेरी धर्मपत्नी सारा भरवाना है। आतिफ ने साल 2013 में शादी की और उनसे एक लड़का भी है। आतिफ असलम और सारा भरवाना शादी से पहले एक दूसरे को सात साल से डेट कर रहे थे, जिसके बाद दोनों ने जीवन भर के लिए एक दूसरे का हाथ। आतिफ कहते हैं, मैं सारा को पहली नज़र में देखते ही दिल दे बैठा था। आतिफ बॉलीवुड के कई सुपरहिट गानों में अपनी आवाज़ दे चुके हैं। इन्होंने अपना पहला बॉलीवुड सॉन्ग साल 2005 में महेश भट्ट के प्रोडक्शन में बनी फिल्म जहर में गाया। वो सॉन्ग वो लम्हे वो बातें था। 2019 में आए सॉन्ग पहली दफ़ा ने YouTube पे टी सीरीज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस गाने ने एक महीने के अंदर ही 43 मिलियन व्यूज हासिल किए। इस गाने में आतिफ असलम के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज दिखाई दी थी। भारत पाकिस्तान विवाद के चलते पाकिस्तानी सिंगर व अभिनेताओं को बॉलीवुड में बैन कर दिया गया था। आतिफ असलम अपने शुरुआती दिनों में म्यूजिकल कंपटीशन में भाग लेते थे। साल 2003 में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंड बनाया था, जो कि उस समय का मशहूर बैंड साबित हुआ, जिससे उन्होंने अपना सुपरहिट गाना आदत रिलीज किया, जो कि आतिफ ने अपनी ही पॉकेट मनी से लॉन्च किया।